नमस्कार, मैं अचल की इंडिया क्लिपर 28 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सरगुजा जिले के सीतापुर से खबर आई है, नल जल योजना ठप, हैंडपंप खराब, लोग परेशान। जिले भर में लगातार जल संकट बढ़ता नजर आ रहा है। नदी नाले कुआं तालाब सूखते नजर आ रहे हैं। गाँव में लाखों रुपए खर्च करके नल जल योजनाएं पीएचई विभाग द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन सभी नल जल योजनाएं बंद पड़ी हैं। यहां तक कि गाँव के हैंडपंप भी खराब है। लोग पानी के लिए 5 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी लाने के लिए मजबूर है। गर्मी का मौसम प्रारंभ होने के पहले पीएचई विभाग को सर्वे कराकर गांव-गांव में लोगों को जल संकट से निपटने के इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन पीएचई विभाग के एसडीओ एसएस पैकरा द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे जल संकट की स्थिति भयानक होती नजर आ रही है। आज भी लोग जल की समस्या को लेकर भारी परेशान है। लोगों द्वारा हैंडपंप सुधरवाने के लिए सूचना दी जाती है, लेकिन पीएचई विभाग के कर्मचारी हैंडपंप सुधारने के लिए नहीं पहुंचते हैं। आपको बता दें कि भीषण गर्मी में दिन प्रतिदिन जल संकट बढ़ता जा रहा है। पेयजल के नाम पर करोड़ों रुपए पीएचई विभाग को शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके बावजूद विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों की उदासीनता के चलते लोग पानी के लिए भारी परेशान हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आज भी पीएचई विभाग गहरी निद्रा में है। वहीं बात करें सीतापुर ब्लॉक और मैनपाट ब्लॉक अंतर्गत आने वाले कई गांव के ग्रामीण आज भी जल की भीषण समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। यहाँ के कई गाँव में पेयजल का संकट व्याप्त है, लेकिन लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्रामीणों की समस्या को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। मैनपाट ब्लॉक अंतर्गत उड़ुमकेला पंचायत के ग्रामीण आज भी डोड़ी के पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन इससे पीएचई विभाग को कोई मतलब नहीं। वहीं आज भी सीतापुर ब्लॉक के कई नल जल योजना पूरी तरह से ठप है। आप देखना यह होगा कि भीषण गर्मी में पीएचई विभाग जल की संकट को दूर करने के लिए कुछ कदम उठा पाता है या नहीं। जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो कुछ नहीं है। यहाँ की स्थिति पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। मैं देखा वो तहसील के पास एक हैंडपम्प बना है, वो भी तो खराब पड़ा हुआ है, वहाँ भी पानी नहीं निकल रहा है। और यहाँ एटीएम जी, मैं ग्राम पंचायत राय केरा से जनकधारी कुशवाहा। बता दीजिएगा, ये जो पानी टंकी है, इससे आप लोगों को पानी सप्लाई होता है? होता था, लेकिन अभी बंद है एक साल से बंद। हाँ, लगभग एक साल। तो क्या मानते हैं कितनी समस्याएं होती होंगी पानी के लिए आप लोगों को? यहाँ बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। तो आप लोगों को पानी सप्लाई होता है पानी टंकी से? सर, ये तो 2 साल करीब से बंद है। हाँ, कोई आते हैं तो 2-4 दिन या 1 महीना कहना चाहिए चालू करते हैं, इसके बाद और बंद हो जाता है। मोटर जल गया, ऐसा है वैसा। सर बता दीजिएगा, अपने सीतापुर विकास खंड में कितने नल जल योजना स्वीकृत हुए थे? सीतापुर विकास खंड में 12 नल जल योजना स्वीकृत हुए थे, अभी नए में 2 नल जल योजना स्वीकृत है। और मैनपाट विकास खंड की बात करें तो? मैनपाट विकास खंड में 5 नल जल पहले स्वीकृत थे, अभी 2 नल जल योजना और नए स्वीकृत हुए हैं। सर बात करें सीतापुर विकास खंड के देवगढ़ के, और बात करें मैनपाट विकास खंड के उड़ुमकेला में, तो यहाँ पे नल जल योजना पूरी तरह से ठप है। सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देवगढ़ नल जल योजना में हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, अभी बीच में 1 साल पहले से जो ट्रांसफार्मर खराब था उसका सुधार किया गया, नया बदला गया, अभी फिर मोटर खराब है, इसलिए जो नल जल योजना बंद है उसका सुधार किया जाएगा। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।